75 लाख, और इतना अराउंड कोई ख़वातीन जो थीं प्रेग्नेंट थीं फ्लड्स के दौरान, उनको कोई मतलब उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, उनको कोई स्पेशल स्पेसिफिक उनको रिलीफ नहीं प्रोवाइड की जा रही। उर्दू में हम जिसको पिद्दरशाही कहते हैं, इस तरह का माशरा है हमारा, पिद्दरशाहाना माशरा है। से औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सारा काम औरत से करवाया, फिर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा होता है वो भी नहीं देते हमें। मज़हब के नाम पे कुछ करना होता है तो सबसे पहले औरत उसका टारगेट होती है। सारा मज़हब के सारे जो इनके वो हैं रूल्स हैं वो औरत पे अप्लाई होंगे, मर्द पे कोई रूल अप्लाई नहीं करती है। अच्छा, इस साल का जो हमारे औरत मार्च का थीम है, औरत माहौलियाती इंसाफ और पिद्दरशाही, औरत का सवाल माहौलियाती इंसाफ और पिद्दरशाही, ये हमारा थीम है। तो इस थीम से मेरे ख्याल से ये नाम ही काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम औरत के सवाल का सवाल उठा रहे हैं और माहौलियाती इंसाफ के अंदर, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आप सबको पता है फ्लड्स आए, ठीक है, कैसा नेचुरल डिज़ास्टर था, और पूरे अक्रॉस पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इट रीक्ड हैवक, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर और ऐसे जगहों में जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, पहले खुशसाली से गुजर रहे थे, अचानक से फ्लड्स आ गया तो उनके सारा उनका लाइवलीहुड मतलब इट वाज अपसाइड डाउन। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि ये जो सोसाइटीज़ हैं या ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये इन रीजन्स के अंदर वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। फिर इनके अंदर जब इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं तो वो मज़ीद उनकी ज़िंदगियों को उनको मज़ीद वल्नरेबल कर देते हैं। और फिर इन ग्रुप्स के अंदर जब आप औरत होते हो, औरत जब एक औरत होती है जो ऑलरेडी एक पिद्दरशाही या फिर पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर मार्जिनलाइज है, ऑप्रेस्ड है, तो जब इस तरह का डिज़ास्टर आता है वो उसको मज़ीद ऑप्रेस कर देता है, उसके लिए मज़ीद मसले क्रिएट कर देता है। और हमने देखा कि ये जब जो सारा मीडिया था, जो सारी उसकी कवरेज थी, उसमें उस औरत का कोई ख़ास सवाल नहीं उठाया गया, उस औरत के बारे में बात नहीं की गई, और क्लाइमेट चेंज का या फिर इन्हें माहौलियाती तब्दीली का औरत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है इस पर, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट, द इफ़ेक्ट ऑन वुमेन इज़ वेरी डिफरेंट एंड द इम्पैक्ट ऑन हर इज़ वे मोर देन इट हैज़ ऑन अ मैन, ठीक है। तो उसको उसका कोई उन्होंने कोई उस तरह की बात नहीं की, और जब कुछ ग्रुप्स ने इस तरह किया कि भाई हमने उनको ना मेंस्ट्रुअल किट्स प्रोवाइड करने हैं या इस तरह की चीज़ें हमने उनको देनी हैं, तो सब ने कहा भाई ये क्या औरत को ये लोग अब पैड्स देंगी, और कोई लोगों के पास खाने का खाने के लिए कुछ नहीं है, ये लोग पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये बहुत ही एक मतलब ये दिस रिफ्लेक्ट्स के हमारी सोसाइटी के अंदर औरत के मसलों को किस तरह निगलेक्ट किया जाता है, औरत की मुश्किलात को कैसे बिल्कुल ही नहीं समझा जाता। तो हमारा एक मकसद, हमारा एक सबसे बड़ा एम ये है कि हम औरत के जो मसाइल हैं, जो बेसिक प्रैक्टिकल नीड्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्रिएट करें और लोगों को बताएं कि वो एक्चुअल मसाइल हैं। और इस तरह की जगह आपको पता होगा कि मेरे ख्याल अराउंड 75 लाख, और इतना अराउंड कोई ख्वातीन जो थीं प्रेग्नेंट थीं, और कैन यू इमेजिन कि वो ख्वातीन उस फ्लड्स के दौरान उनको कोई मतलब उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, उनको कोई स्पेशल स्पेसिफिक उनको रिलीफ नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, वो लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे थे और कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि ऐसी औरतों का और ऐसे जो वो है इस तरह के जो मसाइल हैं औरतों का, उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों का अटेंशन ड्रॉ करें। वजूहत क्या है, क्यों औरत को जो है हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, आखिर क्यों औरत को जो है हकूक से डिप्राइव किया जा रहा है? ये तो मतलब बुनियादी मसाइल तो अगर देखें तो वो तो फिर हमारा पिद्दरशाही पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो कि उर्दू में हम जिसको पिद्दरशाही कहते हैं, इस तरह का माशरा है हमारा, पिद्दरशाहाना माशरा है। दैट इज़ द रीज़न जिसके अंदर शुरू से औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सारा काम औरत से करवाया, फिर औरत को कोई उसके ऊपर जो उसने काम किया उसके ऊपर कोई हक नहीं दिया। हम अगर अपनी सोसाइटी के अंदर देखें ऐसी चीज़ें जो कि मज़हब के अंदर भी टू सम एक्सटेंट और रियासत ने भी हमें दी हुई हैं एज राइट्स, वो भी नहीं मिलती। हम तो मतलब सारी चीज़ें छोड़ें, जो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा होता है वो भी नहीं देते हमें। फिर उसके बाद जब औरत जो भी काम करती है उसके अंदर उस काम की कोई रिकग्निशन नहीं है, जस्ट बिकॉज वो कहते हैं कि वो काम जो है ना रिप्रोडक्टिव स्फेयर के अंदर है या घर के अंदर है, उसका कोई इकॉनमी में वो नहीं है, क्या कहते हैं, इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक जो हर चीज़ के साथ मॉनेटरी वैल्यू अटैच करना कि अगर ये चीज़
पैसा क्रिएट करती है, ओनली देन इसका वैल्यू है। और चूंकि औरत घर के अंदर काम करती है और उससे पैसे नहीं आते, तो औरत के काम का कोई वैल्यू नहीं है, और एंड यू नो इन टर्न औरत की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की ये मैं बहुत ज़्यादा रीजंस है, आप सोशल इकोनॉमिक और यू नो ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं करके, फिर औरत को कम्प्लीटली एक तरह माशरे से वो माशरे के अंदर एक सेकेंड क्लास सिटीज़न बना के रख देती हैं। फिर हम जब भी हमें यू नो मज़हब के नाम पे कुछ करना होता है तो सबसे पहले औरत उसका टारगेट होती है। ये कहते हैं कि भाई हम, और जिस तरह इन्होंने मज़हब को लेट ली औरत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, जब भी कोई ये कहते हैं मज़हब में ये है वो है, ठीक है, सारा मज़हब के सारे जो इनके वो हैं रूल्स हैं वो औरत पे अप्लाई होंगे, मर्द पे कोई रूल अप्लाई नहीं करती ये, ठीक है। मज़हब और वो जब सारी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ करके वो भी औरत के ख़िलाफ़, ये एक और फिर चीज़ उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके इनका इंटरेक्शन है, इस वजह से औरत को हकूक नहीं मिलते। तो ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं, औरत को हकूक नहीं मिलना शुरू से ऐसे ही चल रहा है। अब बस ये है कि अब पिछले 5-6 सालों से औरत मार्च बहुत ज़्यादा वो क्रिएट कर रहा है, हाइप क्रिएट करता है, तो इस वजह से अब इनको और फिर ये मानते भी नहीं है कि औरत को हक नहीं मिला, ठीक है, ये बात मानी भी नहीं जाती। मेरे ख्याल से औरत को हक देने की तरफ जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एक्नॉलेज करेंगे औरत के हकूक नहीं दिए जाते, ओनली देन वी विल यू नो मूव मे बी वन स्टेप टूवर्ड्स गिविंग वुमेन देयर राइट्स।